चार पांच लोगों ने अपनी बात याद रखी। हमारे मुआज़म इमाम सल्ती साहब ने कुछ अपने तासुरात का आपके सामने इजहार किया है। इदारे चलाना मामूली काम नहीं है। जो लोग इदारे चला रहे हैं, इदारों को सर्वाइव करवाना उसकी जिम्मेदारी है। ये एक बड़ी डेलिकेसी का मामला है, इसको हमें समझना चाहिए। इस मुल्क में जो हालात इस वक्त हैं, एक वो लोग हैं जो हम जैसे सिर्फ बातें करने वाले लोग कभी प्राइम मिनिस्टर को खत दे देते हैं, कभी होम मिनिस्टर को खत दे देते हैं, कभी बयान दे देते हैं, कभी जलसों में चले जाते हैं। और अपने आप को मिल्लत का नुमाइंदा रहने का दावा करते हैं। उनकी जिम्मेदारी तो ये है कि बेखौफ खतर, अगर हम नुमाइंदे हैं तो जुल्म करने वालों की आंखों में आंखें डालकर हम बात करें, क्योंकि हम अपने आप को नुमाइंदा कह रहे हैं। और एक वो लोग हैं जो तालीमी इदारे चलाते हैं, उनमें और हम में फर्क है। इदारे का अगर देखकर मिशन का मसला होता है, इदारे में नए काम करने का मसला होता है, सैकड़ों तलबा के मुस्तकबिल का मसला होता है, तो कभी कभी हमें वो बातें भी करनी पड़ती हैं उन इदारे चलाने वालों को। वो सियासत होती है। ये तो हम ये तय कर लें कि तालीमी इदारे चलाने वाले भी लोग कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो जाएं और इदारों में ताला लगा दें, कि हमें तय करना होगा कि बारीक सी खत है इदारे चलाने वालों के दरमियान और अपने आप को नुमाइंदा करने वालों के दरमियान। मैं तीन चार बातें आपके सामने बहुत मौदबाना अंदाज में रखना चाहता हूं। मैंने कहा कि आखिरी में बात अपनी करूंगी। बहुत अरसे के बाद, तकरीबन 40 वर्षों के बाद मुशावरत ने तय किया कि आउटरीच का होना चाहिए। 1992 के बाद तो मुशावरत बिल्कुल एक ठंडे बस्ते में बैठ गए पढ़ने, लेकिन उस ठंडे बस्ते में पढ़ने के बावजूद मुशावरत का यह वजन कि हुकूमत वक्त मुशावरत का बयान आने के बाद हिल जाती है, लेकिन भरम कायम रहा कि मुशावरत बड़ा इदारा है। जब हम मुशावरत को बाहर निकाल के लेके गए, बंबई में इजलास किया, आप इंग्लिश में बैठे, मैंने कहा बंबई इजलास के बाद कि जब जमतुलमा कोई इजलास करे, जमात इस्लामी कोई इजलास करे, कसरा बोर्ड कोई इजलास करे, तहरीकात उनसे वाबस्ता है, फिक्री तहरीकात है, उसमें हजारों लाखों लोगों का आना बड़ी बात तो है, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन मुशावरत जो एक विफाकी इदारा है, वो 40 वर्षों के बाद घर से बाहर निकले और बंबई जाए और कलकत्ता जाए और वहां अवामी इजलास में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो जाए, तो ये इस बात की गमबाजी करता है कि अभी सब कुछ नहीं लुटा है।
अभी रोशनी बाकी। मैंने अर्ज किया कि मुशावरत का काम मुख्तलिफुल ख्याल लोगों में बैठकर एक राह निकालने का काम है, मुशावरत इसको कर रही है। मुशावरत 52 साल की तारीख में शायद पुणे में पहली बार आई है। बहुत जल्दी भी मैंने इनामदार साहब एवं मैदान साहिबा को टेलीफोन किया, उनसे कहा कि हम अपनी मीटिंग जो है वो पुणे में रखना चाहते हैं, मरकज में जिससे हमला की। 3 सेकंड में उन्होंने मुझसे कहा कि हाँ आइए, इस्तकबाल है, हम करेंगे। बहुत सारे लोग हमारे चले गए, जो गाड़ियाँ थी हवाई जहाज से लोग आए थे, सुबह आए थे, चले गए। बहुत सारे लोग थे, हाँ आई नहीं पाए यहाँ इस मीटिंग के अंदर, इस महफिल के अंदर। तो ये आज की मीटिंग फुल स्टॉप नहीं, ये कॉलम भी नहीं है, ये सेमी कॉलम भी नहीं, ये कॉमा भी नहीं, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। डैश 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 अभी फिल द ब्लैंक्स का एक सिलसिला है जो पूर्ण करना है। इस मीटिंग के जरिए 3-4 बातें हुकूमत हिंद को मैं पहुंचाना चाहता हूं आखिर, और उन ताकतों को बताना चाहता हूं जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को दबाना, डराना, धमकाना चाहती हैं। और ये चाहती हैं कि मायूसी के समुद्र में वो बर्फ हो जाए। और आपके हवाले से ये बात कहना चाहता हूं, चूंकि पुणे की सरजमीन का ये कोई अवामी जलसा नहीं है, मैंने कहा जैसे हमने कहा था 100 लोग मैक्सिमम दावा दीजिएगा, उसमें जितने आ जाए ठीक है। मैंने कलकत्ता के इजलास में भी यहां अब्दुल अजीज साहब बैठे हुए, जुलाई 17 को पिछले साल जो इजलास हुआ था कलकत्ता में, मैंने वहां पर भी ये बात कही थी, उसको यहां पर भी दोहराना चाहता हूं। समझ लीजिए और आप भी बता दीजिए कि हम वो मुसलमान हैं जो मायूस होने वाले नहीं, क्योंकि हमारा ईमान यह है कि अगर हम मायूस हो गए तो फिर मुसलमान क्या है। और बंबई के इतिहास में भी मैंने इस बात को दोहराया था कि जालिम कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मुशावरत अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अखलाकी जरूरत रखती है कि आंखों में आंख डाल के कह सके कि जुल्म के खिलाफ हम इसलिए खड़े होंगे क्योंकि ये हमारी अखलाकी जिम्मेदारी भी है और मजहबी जिम्मेदारी भी है। और बंबई के इजलास में और कलकत्ता के इजलास में और दिल्ली की मीटिंग में मैंने एक और बात कही थी कि मुशावरत का मैंडेट यह है कि बरादरान वतन के सामने जाकर हम ये बात रखें कि लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं, ये दो आइडियोलॉजीज की लड़ाई, हिंदुस्तान को बचाने की और हिंदुस्तान को बर्बाद करने की लड़ाई। हमारा वोट हिंदुस्तान को बचाने के लिए है, हमारा एजेंडा हिंदुस्तान को बचाने के लिए है, हमारा आज़म हिंदुस्तान को बचाने, क्योंकि जिस दिन हम इस लड़ाई के अंदर जिस दिन हम इस लड़ाई के अंदर इसको हिंदू और मुसलमान की लड़ाई करने तब्दील कर देंगे तो उनका एजेंडा कामयाब हो जाएगा और हिंदुस्तान को बचाने का एजेंडा पसे पुश चला जाएगा। हमें महरूम तबकात को साथ लेके बैठ कर काम करना है, हमें उन लोगों को साथ लेकर लड़ने का काम करना है जो हिंदुस्तान के अंदर हुकूक इंसानी के लिए आवाज उठाते रहते हैं। क्या वजह है कि हमारे और उनके बीच में दुनिया हो रही है? मुशावरत का ये मैंडेट है जैसे मुस्तफा फारूक साहब ने कहा था, आइए हम कोशिश करें कि दो गैर मुस्लिमों से बरादरान वतन से नए
हम दोस्ती करेंगे। आइए हम कोशिश करें कि चार दलित घरानों में हम दोस्ती करें, दोस्ती। आइए हम कोशिश करें कि छह आदिवासियों में अगर हमारे इलाके में हैं तो उनको हम अपना दोस्त बनाएंगे, उनके हम दोस्त बनेंगे। अगर ये काम हमने कर लिया तो डिविजन एजेंडा जो है उसकी शिकस्त हो जाएगी। और ये काम मुशावरत का अकेला काम नहीं, मुशावरत में 17 तंजीमें सभी की राय है। किसी विफाक में 17 तंजीमों की तादाद हो वो कम तादाद नहीं होती, और तादाद बढ़ रही है। हमारे आने के बाद 17 तंजीमें हो गई हैं, ये बड़ा इशारा है। मैं मायूस मायूस नहीं होता, मायूस होता तो यहाँ ना खड़ा होता। और आखिर में बहुत सारे लोगों ने बात करी है यहाँ पर मौजूदा के, हिम्मत के साथ ये बात कहनी चाहिए तो कोई ये हमारा हक है कहने का। कि जिन लोगों को पाकिस्तान जाना था चले गए, मुसलमानों की अक्सरियत ने हिंदुस्तान में रहने का फैसला किया था और जिन्ना की दो टू नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया था, इसलिए हम यहां किराएदार नहीं साझेदार हैं। और ये बताने की जरूरत है मोहब्बत के साथ कि अगर हम जिन्ना की पॉलिसी पर अमल करते, हमारे बुजुर्ग अमल करते, अंग्रेजी में गिरफ्त से डेमोग्राफी सभी समझते होंगे, डेमोग्राफी का मतलब क्या है। अगर हम अंग्रेजी, अगर हम जिन्ना की पॉलिसी और अंग्रेज की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर यकीन रखते और उसके पीछे चलते तो सब कॉन्टिनेंट की डेमोग्राफी, तो अजीम भारत का ये ख्वाब है और ये नक्शा है, उस नक्शे को बनाने में हमारे इंडियन पॉलिटिकल डिक्शनरी में बड़ा इस्तेमाल हो रहा है। प्रण करें देश को आगे बढ़ाए, प्रण करें नया हिंदुस्तान बनाए। अगर कौन सा हिंदुस्तान बनाओ, बना बनाया हिंदुस्तान कौन सा बनाओ। आप मन की बात करते हो लेकिन हम दिल से कहेंगे कि हमें अगर इनको हराना है तो हमें मुत्तहिद होकर नफरतों को खत्म करना है। आप सब तशरीफ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया। बेगम निदामदार साहिबा का भी शुक्रिया कि उन्होंने आपसे गुफ्तगू करने का मौका दिया। मैं समझता हूँ कि आज इब्तदाई गुफ्तगू है। मेरा नंबर 9811643929 है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ 9811643929 है। अगर कभी आपको महसूस हो कि आप की रहनुमाई मुझे कुछ सही राह पर चला सकती है तो आप हमें बेझिझक होकर 24 घंटे में कभी भी फ़ोन कर लीजिए। और मुशावरत का मेल है mushawarat@gmail.com। और दूसरा साथी हमारा मेल है navaidhamid@gmail.com। आइए इस बात का हम अहद करें कि हम एक दूसरे से रिश्ते कायम रखेंगे और मिल्लत के लिए हम हफ्ते में कम से कम एक घंटा देंगे अगर हम मिल्लत का उत्थान चाहते हैं। तो आपको